सड़क हादसे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी दर्दनाक हादसे की खबर सुनने को मिल ही जाती है। ताजा मामला यमुनानगर के कस्बा रादौर का है, जहां पर सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग पर एक ट्रक चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक पर सवार एक 6 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में बच्चे का पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल रादौर ले जाया गया, जहां घायल की हालत गंभीर होने पर उसे सिविल अस्पताल यमुनानगर रेफर किया गया। वहीं बाइक पर सवार चालक की पत्नी और उसकी बेटी को भी चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की। अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक्सीडेंट हो गया गोल्डी ढाबे के पास, तो उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर आए हैं। तो एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है, दूसरे को किसी को बता रहे इंजर्ड है, वो भी कोई धोड़ी गाँव का पता लगा ही है। तो अभी गाड़ी में डेड बॉडी को पहुँचवा दिया और एम्बुलेंस मंगा के जो इंजर्ड थे उनको पहुँचवाया। बाकी गाड़ी है वो जो जिससे ये पता लगा कि एक्सीडेंट है वो कब्जे में आ गया और जांच। जानकारी के अनुसार दोहली निवासी रोहित सोमवार को गांव राहड़ा अपने ससुराल से बाइक पर अपनी पत्नी प्रियंका, बेटे रिहान और बेटी राधिका के साथ वापस अपने गांव दोहली लौट रहा था। इस दौरान जब वो रादौर में त्रिवेणी चौक के पास पहुंचा तो एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। इस दौरान उसके 6 वर्षीय बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये लाड़े अपने ससुराल से घर आ रहे थे गांव दोहली में, एक्सीडेंट हुआ। क्या क्या नाम थे इसका? हमारे भाई का, उसका नाम रोहित है, उसकी वाइफ का नाम प्रियंका है, बच्चे का नाम एक संस्कार हो गया इसका रिहान है, एक गुड़िया चीज का नाम मेरे को जानता नहीं, मालूम नहीं मेरे को। दुर्घटना में बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटे की मौत से उसकी मां प्रियंका की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।